दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की मैं लगातार अपडेट आप सभी को दे रहा हूं, तो एक और डाउट यहां पर आप सभी के सामने आ चुका है। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर लिस्ट यहां पर कैसे आपको मिलेगी, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की जो भी अपडेट है आप सभी को इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहता हूँ। यहाँ पर अभी एक ऑप्शन जो नोटिस आया है, यहाँ पर आप लोग देखेगा नोटिस में बताया भी गया है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2024 अप्लाई ऑनलाइन। क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आप लोगों ने केवाईसी कर दिया है तो क्या अलग से आपको अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा? इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन और कानपुर यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी की अपडेट पाना चाहते हैं तो एकलौता ऐसा चैनल है माई हेल्प से, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी बड़ी सभी अपडेट आपको मिल जाती हैं। साथ ही में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जुड़ जाना। वहाँ पर जो भी जानकारी होती है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो नोटिस डाल देता हूँ, तो आप लोग आसानी से वहाँ पर अपडेट रह सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आपको गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है यूपी फ्री टैबलेट लेटेस्ट न्यूज टूडे। जैसे ही इतना लिख के टाइप करेंगे ना, यहाँ पर आप लोग देखेगा यहाँ पर जो अपडेट आती हैं सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है क्या है, और यहाँ पर देखेगा एक नोटिस, यहाँ पर एक न्यूज आर्टिकल की ये पोस्ट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, सभी छात्रों को यूपी सरकार देगी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से वेबसाइट में सारा कुछ बताया जाएगा। और यहाँ पर देखे सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का जो लक्ष्य है क्या है, उसके साथ ही में योजना की विशेषताएं होंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश टैबलेट स्मार्टफोन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। उसके साथ यहां से हम इसको ट्राई अगेन करते हैं, यहां से फिर से अलाउ कर लेते हैं, देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, उसके बाद यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2024 अप्लाई कैसे करना है, और यहाँ पर आपको एक लिंक दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट का। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक किया तो ये डीजी शक्ति पोर्टल की वेबसाइट आ गई। लेकिन यहाँ पर आप लोग वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डीजी शक्ति यूपी डॉट इन यहाँ पर ये वेबसाइट शो कर रहा। अगर आप लोगों ने डीजी शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट किया होगा तो आपको इंटरफेस होगा कैसा होगा। तो इसके बाद से यहां पर देखिए इस प्रकार का सारा कुछ बताया जा रहा है कि आपको जो भी डिटेल भर के यहां पर आपको अपना पंजीकरण करा लेना है। यहां पर देखिए सारी जानकारी बताई जा रही है, इसलिए मैंने बोला था कि आपको वीडियो को देख लेना तभी पंजीकरण कराना है। हम बैक आ जाते हैं, यहां पर फिर से मैं गूगल पे आता हूं, यहां पर मैं सिंपली टाइप करता हूं डीजी शक्ति पोर्टल, यहां पर मैंने टाइप किया। अब टाइप करने के बाद यहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा ओपन होने में। अब फर्स्ट में ही यहां पर जितना ही टाइप करेंगे डीजी शक्ति पोर्टल, तो फर्स्ट में आपको एक मिल जाएगी। यहां पर इसकी वेबसाइट देखिएगा क्या है, digishakti.up.gov, यानी कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है उसमें up.gov.in जरूर रहता है, यानी कि जिस भी स्टेट का होगा, अगर दूसरे स्टेट का होगा तो वहां पर यूपी की बजाय दूसरा आ जाएगा। तो यहां पर जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वहां पर जो .gov.in जरूर रहता है, ना कि वहां पर आप लोग देखेगा, मैंने आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इस प्रकार का है। वहां पर आपको ऑनलाइन करने के लिए बोला जा रहा, तो जैसे कि यहां पर डीजी शक्ति पोर्टल की मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर आपको क्या बताया गया है वो मैं आप सभी को दिखा देता हूं। छात्रों द्वारा डीजी शक्ति पोर्टल पर उनके आधार पंजीकरण कराना आवश्यक है, ईकेवाईसी करना है। यहाँ पर देखिए ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। अब अभी आप लोगों ने जो देखा होगा वो कैसी है और यहाँ पर देखेगा ये कैसी है। अब यहाँ पर चलते हैं, क्या बताया गया इसका जो भी यहाँ पर नोटिस वगैरह, यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद छात्र कॉर्नर पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो नोटिस आई है आपके सामने, इसको सबसे पहले रीड करना है। देखिए इसमें क्या बताया गया, छात्रों के लिए जो निर्देश हैं कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट में कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं पर भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो आपको गूगल पर बहुत सारी जगह की पंजीकरण अप्लाई ऑनलाइन ऐसे करिएगा, अप्लाई यहां से अपनी फॉर्म डिटेल सारी भर दीजिएगा, तो कहीं पर आपको कोई भी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। इससे आपका जो डेटा है हर जगह शेयर हो जाएगा, जिससे आपको कई तरीके के कॉल्स आने लगेंगे, फ्रॉड कॉल आने लगेंगे, तो आपको इनसे बचना है। कहीं पर भी अपना जो डेटा है वो मत भरिएगा। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि कहीं पर आपको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आप सभी को
आपको बोला था कि वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर किसी भी समय कोई भी लॉगिन आईडी बनाई नहीं गई है। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करें जिससे पोर्टल पर अपलोड किया जा सके, यानी कि पूरा कॉलेज के ऊपर है। कॉलेज वाले जो डेटा तैयार करेंगे उसको यूनिवर्सिटी भेजेंगे तो आपका यहाँ पे वेरीफाई होगा। यहाँ पर देखिए नीचे वाला पॉइंट में क्या बताया गया है, डाटा अपलोड सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डीजी शक्ति वेबसाइट, अब यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग चेकआउट कर लेना। कहीं पर भी आपको कोई भी ओपन होती है वेबसाइट तो सबसे पहले .gov.in जरूर देखना कि होम पेज पर दिए गए EKYC के थ्रूआउट यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से अपना जो आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि पहले KYC नहीं होता था तो जो लोग जैसे BA फाइनल कर चुके उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल चुका, उसके बाद वो लोग अदर कोई दूसरा कोर्स कर लेते थे उनको भी यहाँ पर फिर से मिल जाता था फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ, क्योंकि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं थी कि हाँ इस बच्चे को मिला है या नहीं। तो अभी यहाँ पर जो KYC हो जाएगी जिससे यहाँ पर इनका जो डेटा इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जिससे जो बच्चे को दोबारा यानी कि जो बार बार स्मार्टफोन टैबलेट का लाभ लेते थे वो ना मिल पाएगा, इसके लिए यहाँ पर KYC करना होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर KYC करना है डीजी शक्ति पोर्टल पर, बाकी कहीं पर भी आपको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको KYC नहीं पता है कैसे करना है तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, जाकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ये वाला वीडियो को देख लेना। दूसरी बात कि जिन सभी को KYC करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि KYC बहुत बार ट्राई कर लिया उनका फेल्ड दिखा रहा या वहाँ पर KYC करने का ऑप्शन नहीं आ रहा यानी कि वहाँ पर क्लोज दिखा रहा, तो उन सभी को कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहाँ पर आपको जो भी वहाँ पर बताया जाएगा उनके द्वारा वहाँ पर उनकी लॉगिन से वहाँ पर आप सभी लोगों का जो KYC है वो कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना अगर आप लोग KYC नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप लोगों को जो लिस्ट की अपडेट कैसे पता चलेगी कि लिस्ट आई है कैसे चेकआउट करना है, तो इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ था कि आप लोग अपना लिस्ट में नाम कैसे चेकआउट करेंगे, तो वो तरीका मैं आप सभी को यहीं पर बता देता हूं। जैसे कि यहां पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से EKYC के ऑप्शन पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को मैंने बताया था कि यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपना जो भी कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करके एनरोलमेंट नंबर डाल के कैप्चर फिल करके यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर चेकआउट करना है, अगर आपका डेटा इस प्रकार से ओपन हो जा रहा है यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाता है तो आपको KYC कर लेना है, वेरीफाइड दिखाता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको जब भी टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा आपको सूचित किया जाएगा। तो अगर आपका इस प्रकार से डेटा यहाँ पर ओपन हो जाता है तो बिल्कुल आप सभी का लिस्ट में नाम है, जब भी कॉलेज की तरफ से लिस्ट जारी होगी तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप सभी को टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण कब होगा कॉलेज के द्वारा आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये इतनी सी अपडेट थी जो मैंने आप सभी को बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।